आज हम बात करेंगे सीरियल गुड्डन की। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सीरियल में दोस्तों आज हम आपके लिए पूरी साप्ताहिक खबर लेके आए हैं। जो कुछ भी इस वीक इस सीरियल में घटित हुआ वह खबर हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों इस खबर के लिए आप दिल थाम के बैठ जाइए। जब से अंतरा ने गुड्डन और एजी का घर और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम की है तब से एजी और गुड्डन काफ़ी हैरान परेशान रहने लगे हैं। लेकिन गुड्डन भी प्रतिज्ञा कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस अंतरा से ये घर और प्रॉपर्टी वापस लेकर ही रहूँगी। गुड्डन और एजी ऐसा प्लान बनाते हैं जिसमें अंतरा फंस जाए। वह अच्छत से कहती है जो कुछ भी करना है अब तुम ही को करना है। तुम्हें तनवे सोंडा भी बनना है जो बहुत बड़ा पैसे वाला है जो लंदन का रहने वाला है। जब अंतरा और घर के सदस्य अंगने में बैठे होते हैं तभी अच्छत आता है और अंतरा को अपने गले से लगा लेता है। यह देख सभी शॉक्ड रह जाते हैं। अच्छत अंतरा से कहता है कि तुम ठीक थी और वो गुड्डन गलत थी। अब मैं गुड्डन से एक एक कौड़ी का हिसाब लूँगा। गुड्डन ने किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली है। मैं उसे सबक सिखाए बिना हरगिज नहीं छोड़ूंगा। गुड्डन ने शादी करने का केवल एक ड्रामा किया है। उसने एक उम्रदराज व्यक्ति को अपने जाल में फंसाया और इस काम के लिए राजी कर लिया कि जैसा मैं कहूँगी वैसा ही तुम्हें करना है। तभी अंतरा गुस्से में गुड्डन के पास आती है और उसे घर से बाहर निकलने को कहती है। तभी अच्छत अंतरा से कहता है कि इसे इसी घर में रहने दो, इसके सामने ही हम दोनों शादी करेंगे, तब इसे कैसा लगेगा ये देखने में हमें बड़ा मज़ा आएगा। एक दिन जब अच्छत और गुड्डन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बातों को वह व्यक्ति जिसने गुड्डन से शादी करने का नाटक किया है वह उन दोनों की बातों को सुन लेता है और इस बात का पता गुड्डन और एजी को चल जाता है। वह व्यक्ति अंतरा को इन दोनों की प्लानिंग को बताने जाता है लेकिन अच्छत उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जैसा हम कहें वैसा ही तुम्हें करना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम मौत होगा और कुछ नहीं। एक दिन अच्छत ऐसा काम करता है कि वह अंतरा और सरू बहू को नींद की दवा का दूध पिला देता है और वह सभी घरवालों को इकट्ठा कर इस सच्चाई से रूबरू कराता है। जब दादी माँ एजे की सब बातें सुनती है तो दादी माँ पश्चाताप करती हैं कि मैंने गुड्डन से अब तक बहुत भली बुरी कही हैं। तभी गुड्डन आके अपनी सासू माँ को गले से लगा लेती है। जब अंतरा और सरू बहू जागते हैं तो वे दोनों अजीब सा महसूस करते हैं। अंतरा कहती है कि हमसे पीछे यहाँ कुछ तो घटित हुआ है। वह हिडन कैमरे के जरिए वह वीडियो देखने का प्रयास करती है। तभी तनवे सोंडा की ढोलबाजों के साथ उस घर में एंट्री होती है। जब वह अंतरा से मिलता है तो वह उसकी जमकर तारीफ करता है और वह उसे अपनी तरफ से अंगूठी गिफ्ट करता है जिस एक अंगूठी की कीमत 1 करोड़ होती है। जब अंतरा अपने कमरे में अकेली होती है और वह वीडियो देखने की कोशिश करती है तभी तनवे सोंडा वहां आ जाता है और अंतरा के पीठ पीछे उस चिप को बदल देता है जिसमें वह वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। एक दिन होंडा एक कॉम्पीट रखता है कि अगर इस कॉम्पीट में जो कोई भी जीतेगा उसे वह उसकी मोहमांगी चीज़ देगा। फिर क्या था, गुड्डन और अंतरा संग वह डांस कॉम्पिटिशन होता है। अंतरा ने गुड्डन को हराने के लिए उसकी चोली में छेड़खानी भी की थी जिससे गुड्डन बदनाम भी हो जाए और हार भी जाए। लेकिन तनवे सोंडा को इस बात की भनक लग जाती है और वह अपने गुड्डन को बेइज्जत होने से बचा लेता है। तनवे सोंडा के वादे के मुताबिक अंतरा तनवे सोंडा से एक डील करने की मांग करती है। तनवे सोंडा इस डील के लिए राजी हो जाता है। इस डील की खबर जब गुड्डन ने सुनी तो वह बेहद खुश नज़र आती है। दूसरे दिन जब बात
पेपर्स पर साइन करने की आई तो अंतरा ने फटाफट साइन भी कर दिए, लेकिन उसने एक पन्ना छोड़ दिया। उसने कहा कि ये डील हम तभी पूरी करेंगे जब मेरी और अच्छत की शादी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद अंतरा को ऐसा लगा कि होंडा और एजे एक ही हैं, तो इसका कन्फ्यूजन भी गुड्डन ने दूर कर दिया। सीरियल में आगे ऐसी ही धमाकेदार और इंटरेस्टेड खबरें पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।